हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये लेक्चर नंबर 6वां है जो कि एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट है। और पूरा का पूरा अभी तक आपने देखा होगा पिछले 5 लेक्चर जो कि सिलेबस के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो इस लेक्चर में भी टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए गए हैं और 30 में से कोशिश करिए कि आपके कम से कम 25 प्लस सही जरूर हो, जिससे क्या होगा कि आपको पेपर में एक अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि यार जो हमारा लेक्चर है ये डेली सुबह 7 बजे अपलोड होता है, तो डेली आप 7 बजे इसे सुबह लगाइए, टाइम टू टाइम, तो ज़्यादा बेटर होगा, ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी आपकी। और शाम को 5 बजे हमारा लेक्चर अपलोड होता है अपना मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे एनवायरनमेंट का, तो दोनों टाइमिंग याद रखिए, इस टाइमिंग पर आप लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक होता है, ठीक है। जो खेलकूद है वो बच्चों के विकास में सहायक होता है, तो किसके विकास में? पहला दिया है ज्ञानात्मक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है शारीरिक और चौथा है यह सभी। तो अगर आप देखोगे तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। खेलकूद से बच्चों के ज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक तीनों प्रकार का विकास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, ठीक है। पहला ऑप्शन है यह ओजोन परत को नष्ट कर देती है, सेकंड है यह ऑक्सीजन के प्रतियोगिता करती है, ठीक है, ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, थर्ड है यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम करती है, और फोर्थ है यह सभी या उपरोक्त सभी। तो यार आप अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये 6th क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यह ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। मतलब क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो जो हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है उसके साथ क्रिया करके पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर रक्त में ऑक्सीजन को मिलने से रोकती है, ठीक है, जिसके कारण एक दम घुटने लगता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, जो अम्ल वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यार ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO, वैसे यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया तो NO हो जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और वहीं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों ऐसी गैसें हैं जो कि जल के साथ मिलने पर अम्ल का निर्माण करती है, और जो पृथ्वी पर वर्षा होती है उसके साथ, जैसे अगर SO2 से यदि जब जल मिलता है H2O तो ये बना लेता है H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है, और एसिड का निर्माण करता है जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। वैसे ही जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जब H2O क्रिया करता है तो यह बना लेता है HNO3, बना लेता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है, ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है किसके कारण? तो पहला ऑप्शन है वनों के कटाव के कारण, दूसरा है विकिरण के कारण, और तीसरा मरुस्थलीकरण के कारण, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, विकिरण के कारण, ठीक है। अगर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या फिर जो किरणें आती है पराबैंगनी किरणें, वो क्या होता है कि इतनी ज़्यादा हानिकारक होती कि यदि हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो जो हमारे शरीर पर जब पड़ेगी तो रक्त कैंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि पराबैंगनी किरणें जब पौधों पर पड़ेगी तो पूरे पौधों का जीवन नष्ट कर देगी। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि विकिरण के कारण जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय बना हुआ है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला साधन है, ठीक है, तो भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन क्या होगा? तो पहला है नहर, दूसरा तालाब, तीसरा नलकूप और फोर्थ यह सभी। तो आप देखोगे अपने आसपास भी तो इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर।
कि भारत में सिंचाई के लिए इन सभी का यूज़ करते हैं। और इसमें भी अगर नहरों की बात करें, ठीक है, तो नहरों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 31.4%, ठीक है। वहीं पर अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब का यूज़ होता है 6.1%, और नलकूप की अगर बात करें तो नलकूप का परसेंटेज होता है 55.9%, मतलब सबसे अधिक किसका होता है तो नलकूप का यूज़ होता है भारत में सिंचाई के लिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, ठीक है, जो कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, तो बीज, सिंचाई, मृदा या यह सभी। तो आप देखेंगे कि कृषि उत्पादन, उत्पादन कब जब अच्छा होगा, जब बीज अच्छा होगा, और बीज अगर अच्छा हो गया तो सिंचाई भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और उसे अच्छी जगह मतलब अच्छी मृदा में बोना पड़ेगा। इसलिए तीनों कारक कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि यह सभी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम हो जाएगा बीज, सिंचाई और मृदा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है, मतलब जो चार प्रकार की आपदाएं दे रखी है, जैसे नाभिकीय दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, सूखा और जैविक आपदा। तो यार जो कि नाभिकीय आपदा, रासायनिक आपदा और जैविक आपदा, ये तीनों के तीनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, परंतु जो सूखा है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, और नहीं आता है मीन्स क्या नहीं आता है, तो सूखा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1972, दूसरा है 1969, थर्ड है 1974 और फोर्थ है 1968। तो भारत में जो है, भारत में आंतरिक विभाग की जो स्थापना है वह हुई थी 1972 में, मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, ठीक है, जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है भास्कर और तीसरा है रोहिणी और फोर्थ है चंद्रयान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो गया राइट आंसर कि आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, ठीक है। और इसको अगर छोड़ने की बात करें तो जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, ठीक है, यह स्वदेशी निर्मित था, मतलब खुद इंडिया में बनाया था, इसको छोड़ा गया था 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और ये छोड़ा गया था सोवियत संघ से, मतलब रूस से, सोवियत संघ के बैकानोर अंतरिक्ष केंद्र से, और जो जिस मिसाइल से जिस इंटर कास्मोस प्रक्षेपण यान, जो यान था वह था इंटर कास्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा इसे सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। तो डेट याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975, और पहला आर्यभट्ट था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि हरी खाद कैसे तैयार की जाती है, ठीक है, जो हरी खाद है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है गोबर और मलमूत्र को सड़ा गला कर, सेकेंड है फल सब्जी के कचरे के द्वारा, और थर्ड है मूंग उड़द जैसे फसलों को उगाकर, और फोर्थ है रसायन द्वारा। तो जो हरी खाद से ही समझ में आ रहा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी से आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर कि मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर हरी खाद तैयार की जाती है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा कि एक ही तरह की फसल बार बार, वैसे यहाँ पे आ जाएगा एक ही तरह की फसल बार बार उगाने, ठीक है, उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कहा है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायन के उपयोग करने से मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सेकेंड ऑप्शन है सिंचाई के लिए उपयोगी बन जाती है, थर्ड है उर्वरक बन जाती है, और फोर्थ है बंजर हो जाती है। तो यदि यार आप अगर कृषि से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे, मतलब आपका बैकग्राउंड यदि खेती से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, बंजर हो जाती है। यदि हम कोई भी फसल को एक ही जगह बार बार उगाएं और उसमें रसायन या कीटनाशक या उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करें, तो वह भूमि बंजर बन जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि
जीव का वह ठीक है, जीव का वह परिवेश जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रियाएं करता है। ठीक है, तो जीव मतलब कोई भी जीव है उसका वह परिवेश जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रियाएं करता है खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो पहला है मानव पर्यावरण, दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण, थर्ड है सामाजिक पर्यावरण और फोर्थ है कृत्रिम पर्यावरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, मतलब जीव का वह परिवेश जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रियाएं करता है वह क्या 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 कहलाता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर 12वें का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, मतलब जो शहरीकरण हो रहा है उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा। तो पहला ऑप्शन है साफ सफाई की समस्या, सेकंड है स्वास्थ्य समस्या और थर्ड है कचरा की समस्या और फोर्थ है अच्छे बाजार की व्यवस्था। तो यार जो नकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें तो नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो साफ सफाई की समस्या भी नकारात्मक प्रभाव है, स्वास्थ्य समस्या भी नकारात्मक प्रभाव है, कचरा निस्तारण भी एक नकारात्मक प्रभाव है, अच्छे बाजार की व्यवस्था नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो उसने पूछा भी यही है कि नकारात्मक प्रभाव कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मतलब ये जो चारों गैस दे रखी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और मेथेन, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है पूछा है। ठीक है, तो इनमें से फोर्थ नंबर का हो जाएगा आंसर मेथेन। मेथेन क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मेथेन है मतलब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो क्या होता है कि पृथ्वी का जब तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है, तो ऐसी गैसें जो कि पृथ्वी के तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जो कि मेथेन है वह पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दो कथन दे रखे हैं, इन पर हमें विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, पहला कथन कि पर्यावरण जो है मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, ये बिल्कुल सत्य है कि मानव क्रियाओं पर प्रभाव डालता है एनवायरमेंट। सेकंड दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी बहुत सही है कि जो एनवायरमेंट है उसे प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए। और थर्ड है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, एक और दो दोनों, या ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो यार इसका आंसर आप चाहोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका राइट आंसर, कि पर्यावरण को देखो ये पर्यावरण को प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए और पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है, दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो चार तीन ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ये तीनों कथन दे रखे हैं, इनको पढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। जो पहला कथन दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड दे रखा है कि पर्यावरण संबंधी अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है कि जो अच्छी आदतों के लिए पर्यावरण से संबंधित बाल्यकाल से ही इसका प्रारंभ कर देना चाहिए, तो ये भी सही है। और फर्स्ट है पर्यावरण के अध्ययन में जैवमंडल का अध्ययन होता है, ये भी सही है। और थर्ड है पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है, तो यार ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ए बी सी और डी। ठीक है, यह तीनों। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कि शिक्षण खालिस्तान की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, तो यदि यार आपने पेडोगॉजी पढ़ रखी है, या तो आपने साइंस की पेडोगॉजी पढ़ रखी है, तो मैथ्स की पेडोगॉजी पढ़ रखी है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर या सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है किसमें, तो निगमन विधि में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। और वहीं पर यदि उल्टा बोल दे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर, तो वो आगमन विधि होगी, परंतु यहाँ बोला है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर या सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर, तो ये किस विधि के अंतर्गत आएंगे, तो निगमन विधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की
क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार दे रखा है कि रितिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्या के बारे में पढ़ाते समय, ठीक है, जो रितिका है वो एक टीचर होगी जो कक्षा 5वीं को 5वीं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्या के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, ठीक है, जो इन प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त होगा, ठीक है, कौन सा क्रियाकलाप ऐसा कराना चाहिए जिससे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, पहला ऑप्शन है। सेकेंड दे रखा है यहाँ पर कि किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना, तो यार ये इस प्रकार के ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होते बच्चों के लिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, ये भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और फोर्थ है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से चार्ट बनाना, यार जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई दिखाई चीज़ें दिखाई जाए तो वो ज़्यादा समझेंगे, तो ये आंसर हो नहीं सकता। बचा पहला और तीसरा, तो यार पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, कि अगर छोटे छोटे समूह में विद्यार्थियों को बांट दिया जाता है और उनके द्वारा अगर क्रियाकलाप कराया जाता है तो वह चीज़ों को अधिक सीखेंगे, इसीलिए सबसे उपयुक्त विधि होगी पहली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। चाहो तो थोड़ा बैक करके और पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, ठीक है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है कि अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, और सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल है, थर्ड है विद्यार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, और फोर्थ है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हो। तो यार पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए तो बच्चों का होना चाहिए, मतलब जो आंसर होगा वो बच्चों से रिलेटेड होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हो उससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यही अर्थ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, या तो चाहो तो इसके थोड़ी सी थ्योरी भी सुन लो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोहरे उद्देश्य पर बल देते हैं, यह उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों की वृद्धि शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों पक्ष को शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य, ठीक है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य, तो पहला ऑप्शन है विश्वसनीय जानकारी, सेकंड है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, और थर्ड है पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता की जांच, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से दे रखा है यार कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो विश्वसनीयता की जानकारी, बिल्कुल अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो विश्वसनीयता की जानकारी होनी चाहिए, सही है पहला। अधिगम प्रक्रिया में सुधार भी होना चाहिए अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो, और पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता की जांच, मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। आप खुद जानते हैं विश्वसनीयता होनी चाहिए, अधिगम में सुधार हो रहा है या नहीं उसे चेक करना, और पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता की जांच। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, तो पहला है यार बालक के अधिगम का, इसका तो बिल्कुल करना चाहिए। सेकेंड है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, और थर्ड है बालक की उपलब्धि, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यार इसका राइट आंसर, कि पाठ्य
सहगामी गतिविधियां। तो यार यहाँ क्वेश्चन पहले ये देख लो कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, तो पाठ्य सहगामी गतिविधियां का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की पिछड़े बालक के संदर्भ में। ठीक है, जो बालक पिछड़े होते हैं, पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधित समस्या नहीं है। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी समस्या नहीं है, ऐसी नहीं है जो पिछड़े बालक के संदर्भ में हो, जैसे मंद शारीरिक विकास, स्थिरता और संवेगिक कठिनाइयाँ और सहपाठियों के साथ संबंध। तो यार देखो, पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधित समस्या नहीं है, तो स्थिरता जो है वो शिक्षण संबंधित समस्या नहीं है। चाहोगे तो एक मिनट देख लो, स्थिरता पिछड़े बालक के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधित समस्या नहीं है, बल्कि मंद शारीरिक विकास, संवेगिक कठिनाइयाँ, सहपाठियों के साथ संबंध पिछड़े बालक के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण खालिस्तान विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उपचारात्मक जो है शिक्षण निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया जा सकता, जैसे पिछड़े बालकों को, प्रतिभाशाली को और औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वालों को और औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले को। तो देखो यार, उपचारात्मक प्रशिक्षण या शिक्षण उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो पिछड़े होते हैं या औसत से कम होते हैं, परंतु जो प्रतिभाशाली शिक्षक विद्यार्थी होते हैं उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा राइट आंसर। हो पूछा भी यही है कि उपचारात्मक शिक्षण किस किन विद्यार्थियों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो भारत में जो वन भूमि है उसका परसेंटेज कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 21.61% भारत में वन भूमि उपस्थित है या स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की मृदा निर्माण का मुख्य कारक कौन सा है, तो उच्चावच, संस्तर सेल या फिर जल वायु और फोर्थ है यह सभी। तो यार मृदा निर्माण का मुख्य कारक कौन सा है, तो यह सभी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मतलब उच्चावच, संस्तर सेल और जलवायु तीनों ही इसके कारक होते हैं मृदा निर्माण के। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि खालिस्तान आत्म संयम एवं पूर्णतः तथा मानव संस्कृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, मतलब खालिस्तान जो कि आत्म संयम एवं पूर्णतः मानव संस्कृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, जैसे योग, सामंजस्य, यम और विवेक। तो जो योग है, ठीक है, तो योग आत्मसंयम पूर्णतः मानव संस्कृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, तो पहले तो मैं यह बता दूं, असंपर्क बल ऐसा बल होता है जिसे छुए बिना वो बल लगता है, तो जैसे पेशी बल, जब तक आप किसी चीज़ में पेशी बल मतलब हाथ पैर जो हम बल लगाते हैं वह पेशी बल के अंतर्गत आता है। गुरुत्वाकर्षण बल ऑटोमेटिक लगता है, चुंबकीय बल, ठीक है, यह भी ऑटोमेटिक लगता है। और फोर्थ है ए और बी दोनों, तो यार ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, कि ऐसा बल जो कि बिना छुए लगता है उसे असंपर्क बल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, असंपर्क बल के अंतर्गत और बल भी आते हैं, जैसे नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी असंपर्क बल के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के पारिवारिक उत्सव के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, जो पारिवारिक उत्सव के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका, पारिवारिक उत्सव का उद्देश्य हृदय के आनंद की अभिव्यक्ति है। सेकेंड है, पारिवारिक उत्सव के से परस्पर संबंधों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। और थर्ड है, विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है। तो यार यहाँ पर ये बोला है कि पारिवारिक उत्सव के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर इसका, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो विवाह है पारिवारिक उत्सव है, पर उसने पूछा कि क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर ये बोल दिया कि विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, जो विवाह है पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है, यह कथन पारिवारिक उत्सव के विषय में गलत है, क्योंकि पारिवारिक उत्सव में विवाह, बच्चे का जन्म, बच्चे का नामकरण तथा उनके संस्कार आदि महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं, जिनमें पारिवारिक संबंधों को
नियमंत्रित किया जाता है तथा यह सामूहिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है, यह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति बनती है उनमें कौन शामिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग या यह सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, कि जब जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति बनती है तो उसमें जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग तीनों सम्मिलित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, कि निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है और संरक्षक है, संरक्षण हो जाएगा। और थर्ड है वानिकी एवं वैश्विक, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। तो यार ये तीनों के तीनों वानिकी से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइए, और कोई आपके सुझाव या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितने नंबर आपके आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे स्टूडेंट उस कमेंट को देखकर मोटिवेट होंगे और एक कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ेगी, जिसमें आपका प्रदर्शन एग्ज़ाम में और अच्छा रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।